पूरे देश में इस समय करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं। 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया, एनआईए की जांच की गई, सीबीआई लगाई गई, पुलिस लगाई गई, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी यानी जो कुछ भी अपमान करने के लिए कह सकती थी सरकार, वो सब कुछ अन्नदाताओं को कहा गया। और संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। आपको याद होगा जब मैं पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध कर रहा था, मैंने माइक तोड़ा था, बिल भी फाड़ के फेंका था, टेबल पे भी चढ़ गया था, सब कुछ किया था, मुझे सस्पेंड किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने माइक तोड़ा, मुझे सस्पेंड किया, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे, तुम्हें भी सस्पेंड होना चाहिए। बीते दिन राज्यसभा मेंबर संजय सिंह नाभा विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने पत्रकारां नाल गलबात दौरान विक्रम मजीठिया ते केंद्र सरकार नूं आड़े हत्थी लैंदिया कहा कि जो लुधियाना कोर्ट दे विच केस चल रहा है उसका फैसला आना हले बाकी है, पर विक्रम मजीठिया कोर्ट के बाहर आ के मैनू जेल भेजण दीआं गल्लां कर रहे ने, पर उसनूं ये नहीं पता कि यह कानून पूरे देश का है, उन्होंने घर का नहीं। उत्थे उन्होंने केंद्र सरकार नूं भी आड़े हत्थी लिया ते नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भी तंज कसे ते किसान ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ੀ ਥੀ ਉਸਮੇਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਉਨਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਆ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕੀਆ। मुझे न्यायालय से न्याय की उम्मीद है, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन मुझे हंसी भी आती है कि न्यायालय से निकलने के बाद विक्रम मजीठिया बयान देते हैं कि संजय सिंह को जेल भेजूँगा। अब मामला जब न्यायालय में है तो मजीठिया की कोई अपनी न्यायालय तो है नहीं, इस देश की न्यायालय है, लुधियाना की न्यायालय है, माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा उसको मैं मानूंगा, उसमें न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करूंगा। विक्रम मजीठिया कौन होते हैं जेल भेजने वाले? और मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था और उसी सच की लड़ाई को मैं न्यायालय में आज की तारीख में लड़ रहा हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में इस समय करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं, 90 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया, एनआईए की जांच की गई, सीबीआई लगाई गई, पुलिस लगाई गई, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी यानी जो कुछ भी अपमान करने के लिए कह सकती थी सरकार, वो सब कुछ अन्नदाताओं को कहा गया। और संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किसानों की ही बात अगर हम कर लें, उत्तर प्रदेश में 4 साल से गन्ना किसानों का 1 रुपये नहीं बढ़ा। आप कहते हैं किसानों की आय 2 गुना करेंगे, कैसे करेंगे आप? 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का यूपी के अंदर बकाया है। अगर आप पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, जहां पे धान गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर होती है, न धान का सही दाम मिलता है, न गेहूं का सही दाम मिलता है, आप कैसे आय 2 गुना करेंगे? आपने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50%, आज तक आपने लागू नहीं किया। यूरिया का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सिंचाई बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई,
किसान की लागत नहीं बढ़ी। इसलिए हर बात पे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है तो कानून में एक लाइन लिखिए, एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो खरीदने वाले को जेल भेजा जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने इसमें लिख दिया। हिंदुस्तान में छोटी जोत के किसान हैं, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 50 एकड़। उन किसानों की जमीन को अपने पूंजीपति मित्रों को देने की योजना मोदी सरकार ने बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान अपने खेत का कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े पूंजीपति से करेगा, उस पर वो अपने हिसाब से सड़कें बनाएगा, अपने हिसाब से वहाँ पर स्टोरेज बनाएगा, अपने हिसाब से वहाँ खेती करेगा। फायदा हो गया तो माल अडानी का, और नुकसान हो गया तो आपको न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं है। तो आपकी ज़मीनों को कब्जा करने का की योजना। और तीसरा है अनलिमिटेड स्टोरेज। ये हिंदुस्तान के किसान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए खतरनाक कानून है। और इस कानून के मुताबिक जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तीनों को मोदी सरकार ने लीगलाइज कर दिया है। तो ये तीनों कानून बहुत ही खतरनाक है। काला है, सस्ते में धान किसान से खरीदेंगे, सस्ते में गेहूं किसान से खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, बड़े बड़े स्टोरेज में रखेंगे, जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचेंगे। तो इसलिए मोदी जी को ये कानून वापस लेना ही होगा। आपको याद होगा जब मैं पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध कर रहा था, मैंने माइक तोड़ा था, बिल भी फाड़ के फेंका था, टेबल पे भी चढ़ गया था, सब कुछ किया था, मुझे सस्पेंड किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने माइक तोड़ा, मुझे सस्पेंड किया, तुम किसानों की हड्डियाँ तोड़ रहे हो, तुम्हें भी सस्पेंड होना चाहिए। तुम कील गाड़ रहे हो सड़कों पे, तुम ऐसी सीमा तैयार कर रहे हो जैसे कोई पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है, अखनूर सेक्टर बना रहे हो उसको, आप कर क्या रहे हैं देश के किसानों के साथ। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, तुम जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते उसको आतंकवादी बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, मोदी जी कह रहे हैं सबको बहका के बिठाल दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर मोदी सरकार और भाजपा ही मानते हैं कि बहका के बिठा दिया गया है, तो सारे मंत्रिमंडल को मोदी सहित 9 दिन खाली हो तो 90 दिन से बैठे हैं, 9 दिन बैठाल दो इस ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे, पता चल जाएगा, समर्थन में बैठ के दिखाओ आप। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसान को बिल समझ में नहीं आया, मोदी सरकार की प्रॉब्लम यह है कि किसान को ये बिल खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और इसलिए जब तक ये बिल वापस नहीं होता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। सिंगू बॉर्डर पे भी केजरीवाल जी गए थे, टीकरी बॉर्डर भी गए थे, गाजीपुर में भी आंदोलन को हमने समर्थन किया, और वो चाहे इंटरनेट का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, शौचालय का इंतजाम हो, बिजली के, जो भी हमारे सरकार के हाथ में है, केजरीवाल जी के हाथ में है, हमने उसको किया, आगे भी करते रहेंगे। अब किसान पंचायतें देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो पहली किसान महापंचायत उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को रखी गई है मेरठ में, उसके बाद पंजाब में और दूसरे राज्यों में होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में आ गई है जो हिंदुस्तान को बेचने पर आमादा है, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज जो बजट आया है उसमें रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, गोदामें बेची जा रही हैं, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, कहीं से एक आवाज़ कोई नहीं। 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों का निकाल के पूंजीपतियों को बांट दिया गया, वो पैसा लेके कहीं नीरव मोदी भाग गया, कहीं ललित मोदी भाग गया, कहीं विजय माल्या भाग गया। किसान के अनाज का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने मित्रों को लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए। तो इसलिए ये एक जन विरोधी सरकार देश के अंदर चल रही है, किसान विरोधी सरकार देश के अंदर चल रही है, और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हर स्तर पे इनका विरोध करने के लिए जाएगी। 2022 की क्या रणनीति? 2022 में पंजाब के अंदर मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि हमने
किसानों का साथ दिया है। मुझे लगता है कि चुनाव में किसान भाई आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, पंजाब के लोग साथ देंगे। और इस समय अलग अलग जगहों पे संगठन की मीटिंगें वगैरह भी चल रही हैं, जिसमें भगवंत मान जी और पूरी पार्टी लगी। नमे चाह रहे किसे पार्टी जो एंटर कर रहे हैं? अब वो तो यहाँ के जो लोग काम देख रहे हैं वही बता पाएंगे। मैं अभी तो फिलहाल यूपी का काम देख रहा हूँ। सर, लास्ट टाइम आपके इलेक्शन में यही एक कमी रही, लास्ट टाइम तक आप सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाए, और इस बार क्या भगवंत मान रहेंगे? देखिए, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम होता है, जो व्यक्ति जिस राज्य को देखता है वही उसके ऊपर कोई आधिकारिक टिप्पणी कर सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के का प्रभारी हूँ इस वक्त, राजस्थान और उड़ीसा तीन राज्यों का प्रभार मेरे पास है, तो मैं उन राज्यों के बारे में कोई चीज़ बोल सकता हूँ। बाकी पार्टी के जो लोग इस समय काम देख रहे हैं वो आपको बताएंगे। कहीं फेलियर रहा था जो सीएम अनाउंस, चेहरा नहीं अनाउंस किया गया था, उसको कैसे देखते हैं उसको, जो पिछली बार हुआ था अब इस तरह? अब मुझे लगता है पार्टी यहाँ अच्छे ढंग से अपना काम कर रही है, और समय आने पे वो आपकी बातों का जवाब देंगे सारे लोग। ये भी अभी मैं नहीं बता सकता। सर, पार्टी का जो नेशनल लेवल पे स्टैंड है वो पंजाब के लोगों की भावनाओं के लगभग खिलाफ है, चाहे वो आप इंडो पाक। ज्वलंत मुद्दा क्या है? किसान का मुद्दा, और उस मुद्दे पे सबसे मुखरता के साथ कौन सी पार्टी मैदान में लड़ रही है? हम लोग लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, पंजाब के मुद्दे हैं, उसको लेके बराबर हम लोग। मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा है, दर्ज है कि शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को, जलियावाला बाग कांड में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनको आतंकवादी कह के अपमानित करने वालों को देश की सत्ता पर राज करने का अधिकार नहीं। तो हम तो बराबर आपके हक में आवाज उठा रहे हैं, कहीं उसमें पीछे नहीं। नलकाना साहब का मुद्दा था पंजाब नाल ज्यादातर जुड़ा हुआ है, ना कॉरिडोर खोलिया जा रहा है, ना ही जत्थे नु सीधा दे स्थान ते जान तो रोकया गया। उस पे भी हमारी पार्टी जरूर अपना बार बार उस चीज के लिए, आप देखेंगे कि हम लोग साथ में हैं उस मुद्दे पे, कहीं हम खिलाफ नहीं है। तो इसलिए इसको ये कहना कि हम चुप हैं या खिलाफ हैं गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के MLA ने, उन्होंने सवाल चुके ने भी कार्यगुजारी ठीक नहीं हैगी कैप्टन की चार साल थोनू लगता, उन्होंने कहा भी जो वोट सोच के पाउंगे इस बार जो है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि घर के अंदर के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं, तो इसको उनकी बात को पंजाब की जनता को मानना चाहिए। प्रगट सिंह जी देश के लिए खेल चुके हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि चार साल की कारगुजारी अच्छी नहीं रही, तो इसको पंजाब की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए। थोड़ा लगता भी अकाली दल ते कांग्रेस इको ट्रैक ते चल रहे ने? वो जनता इनको जवाब देगी 2022 में। तो ये यूपी चोणां नूं लैके किन्नी क तैयारी है 2022 दा शायद बिगल बज चुके आ? पार्टी पूरी सरगर्मी ने लगी हुई है, पहले म्युनसिपैलिटी दी चोणां सीगियां, उत्थे सरकार ने अपने हिसाब दे नाल जित प्राप्त की अकालियां ते कांग्रेस ने रल के, तो अगली जिहड़ी रणनीति आ उह चल रही आ। साढ़े तीन मीटिंगां हो चुकियां ने पंजाब दे विच, माझा मालवा ते दुआबे दे विच, ते हुण 21 तरीक नूं जिहड़ी महापंचायत दी कॉन्फ्रेंस रखी आ बागे पुराणे ते पूरे जोर शोर दे नाल पार्टी। मंगला टीवी लई नाभा तों सुखचैन सिंह लुबाणा दी रिपोर्ट।